ये सीधी तस्वीरें हम आपको केदारनाथ से दिखा रहे हैं। ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, प्रधानमंत्री इस वक्त कहाँ पहुंच चुके हैं और क्या उनका कार्यक्रम है आगे का? देखिए, केदारनाथ प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद मंदिर के दर्शन वो करेंगे। हालांकि अभी प्रधानमंत्री जो मंदिर के पीछे हेलीपैड बना हुआ है, वीआईपी हेलीपैड है, उस पे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चॉपर जो है वो उतरा है, MI-17 जो जिस हेलीकॉप्टर में वो जाते हैं। उसके अलावा दो और हेलीकॉप्टर उनके साथ जोलीग्रांड से उसने फ्लाइट की और लगभग 35 मिनट उनको केदारनाथ पहुंचने में लगे। देहरादून से केदारनाथ तक का उन्होंने सफर तय किया और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं केदारनाथ। केदारनाथ में वो सबसे पहले वो केदारनाथ मंदिर की पूजा करेंगे। माना जा रहा है कि उसके बाद केदारनाथ में जो तमाम जो निर्माण कार्य हैं उनका जायजा लेंगे और उसके साथ साथ जो रोप वे है केदारनाथ का उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो उसके लिए प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें भारत समाचार पे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अब जो थोड़ी देर बाद ही टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे क्योंकि वहाँ पर जो ग्रीन हाउस उनके लिए बना हुआ है वहाँ पर थोड़ी देर प्रधानमंत्री रुकेंगे और उसके बाद सीधा मंदिर परिसर की तरफ को प्रधानमंत्री आते हुए नजर आएंगे। उनके साथ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल गुरमीत सिंह है, वो जो लेफ्टिनेंट जनरल पूर्व सेवानिवृत्त है वो उनके साथ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर अपने आप में ये जो दृश्य होगा वो देखना बेहद, ये छठवीं बार है जब प्रधानमंत्री केदारनाथ आ रहे हैं। हालांकि ये शॉर्टेस्ट समय होगा जब प्रधानमंत्री केदारनाथ में रहेंगे, लगभग 2.5 घंटे प्रधानमंत्री का केदारनाथ में कार्यक्रम है और उसके बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे और पूरा आज के दिन भर जो है वो बद्रीनाथ में रहेंगे। बद्रीनाथ में माणा गांव उनके जाने का कार्यक्रम है, उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करने का कार्यक्रम है, बद्रीनाथ में जो तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है पंकज, देखिए हमने दर्शकों तक पल पल की तस्वीर पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।